हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज तो खैर अभी दिखाने लायक कुछ नहीं हो रखा है, सिर्फ बताने लायक हो रखा है कि हमारे गांव में, और हमारे गांव में क्या, पूरे उत्तराखंड में बहुत ही तेज़ से बारिश हो रही है, जो कल रात से अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो यही शुभ समाचार बताने के लिए मैं अभी वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी तो दिखाने के लायक कुछ नहीं हो रखा, अभी शाम के लगभग 5 बज गए हैं, और कल रात को 7-8 बजे से बारिश हुई थी, और उस समय से अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही, और इतनी तेज़ आ रही है, ना कहीं बाहर जाने जैसा हो रहा है और ना ही रुक रही है। तो बारिश की वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा। ना बबी हेलो कर दो। हेलो, कैसे हो? बोल, छुपन छुपाई खेला है? हैं, निक्की को और छुपन छुपाई खेलनी है। तो हम लोग तो खैर रोज़ छुपन छुपाई खेलते ही हैं। तो अभी निक्की की दीदी लोग नहीं आए हैं, क्योंकि बारिश इतनी आई है कि आने लायक नहीं हो रही थी। तो मैं यहाँ पे से आपको मौसम दिखाती हूँ। बारिश इतनी तेज़ हो रही है सुबह से कि मैंने सोचा वीडियो बनाऊँगी बाहर जाके, तो बाहर जाने लायक नहीं हो रखा, इसलिए हम अंदर ही से वीडियो बना रहे हैं निक्की और मैं। तो मैं आपको यहाँ पे का मौसम दिखा देती हूँ पहले। तो ये देखिए, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और बहुत ही तेज़ बारिश। शायद ही आपको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मैंने माइक लगा रखा है, तो हो सकता है माइक की वजह से आपको नहीं सुनाई देगा, लेकिन बारिश बहुत ही तेज़ है, बहुत ही तेज़, जो रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। तो ऐसी बारिश में क्या करें और कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों, बारिश इतनी तेज़ है कि कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, इस वजह से मैंने माइक भी यूज़ कर रखा है। मैंने सोचा क्या पता बारिश की वजह से आवाज़ अच्छे से नहीं सुनाई देगी, मुझे लगा बारिश की वजह से आवाज़ अच्छी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश आ रही है कि कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, तो इसलिए मैंने माइक का भी यूज़ कर रखा है। तो निक्की बोल रही है मुझे ही दिखाओ। हेलो बोल दो, सब्सक्राइब करना, मुझे तो पक्का करना बोल। हाँ, तो निक्की बोल रही है मुझे पक्का सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे अभी अभी तो ये गांव में थी, लेकिन अभी अभी ये पिथौरागढ़ कैसे पहुंची? जैसा कि आप सभी को पता है, 18 और 19 अक्टूबर को कितनी तेज बारिश हुई थी, जैसा कि आप सभी को पता है, इतनी तेज बारिश की जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इस वजह से बहुत सारे नुकसान हुए। हालांकि हमें तो 18 तारीख को आ जाना था, लेकिन हम नहीं आ पाए 18 और 19 को, तो इसलिए हम कल 20 को पहुंचे। तो अभी ये वीडियो बना रही हूं मैं 21 को, जो आज ही अपलोड होगा। तो इतनी तेज बारिश थी कि हमें इस 18 किलोमीटर का सफर कम से कम 50 किलोमीटर की जितने महंगा पड़ा, क्योंकि हमारे पिथौरागढ़ से गांव तक का सफर सिर्फ 18 से 20 किलोमीटर है, जबकि हमें जाने में 30 से 45 मिनट लगते हैं, लेकिन हमें जब आने में जो दिक्कतें हुई, कम से कम 2 घंटे पूरे लग गए, 2 से 2.5 घंटे पूरे लग गए, क्योंकि जगह जगह हो रही रोड ब्लॉक से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हमारी बात नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी बारिश से बहुत सारी तबाही मची है, पूरी रोड का कहीं नामो निशान तक नहीं है, कहीं पर तो कुछ दिख भी नहीं रहा पानी की वजह से। तो इसलिए हमें कल 20 तारीख को हम आए थे, तो मैं आपको बता दूं कम से कम 3 या 4 जगह तो हम ऐसे आए जैसे भी आए, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि बारिश की वजह से गांव घरों में लाइट नहीं थी और ऊपर से फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म, तो इसलिए मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं बता सकती हूँ, लेकिन वो मुझे ही पता है कि हम कैसे पहुँचे यहाँ, और जो लोग वहाँ पे थे उन लोगों ने देखा, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं मिली है कि यहाँ कहीं हमारे यहाँ भी बादल फटा है, क्योंकि लोगों के फ़ोन पे चार्ज ही नहीं था, तो वीडियो कहाँ से बनाते, क्योंकि लाइट 2 दिन से थी ही नहीं, तो फ़ोन की बैटरी भी कितना झेलती, तो फ़ोन भी सारे स्विच ऑफ हो गए थे, जिस वजह से बादल भी फटा। हमारे आते टाइम यहीं पिथौरागढ़ से 7-8 किलोमीटर आगे बलकोट पड़ता है, तो वहाँ पे बादल फटने से पूरा घरों तक पानी निकल के पूरा तहस नहस हो चुका था, जहाँ पे कि आने तक का रास्ता नहीं था। हालांकि जैसे कि तैसे हम आए, लेकिन वहाँ पे पूरी रोड ब्लॉक होके पूरा इतना नुकसान हो रखा है घरों में, कि अगर किसी ने जानवर भी पाल रखे होंगे तो जानवर भी वहाँ पे नहीं मिले, अगर जिस घर में पानी पड़ा था, क्योंकि बहुत ही भयानक देखने को मुझे मिला, क्योंकि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास फ़ोन में बैटरी नहीं थी, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और भी कहीं से नहीं कर पाए। हालांकि और भी बहुत लोग बना लेते हैं वीडियो, लेकिन लाइट होने की वजह से
किसी ने भी ये वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन पानी बारिश तो आप सभी ने देखा ही था, लेकिन मैं दिखाती हूँ आपको हमारे घर के सामने किस तरह से बारिश हुई थी। तो ये वीडियो पहले की है, जब तक लाइट थी और फ़ोन में थोड़ी बहुत जान थी तब की मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी थी। तो हमारे घर के सामने देख सकते हैं नहा एक नॉर्मल रास्ते हुआ करते थे, वहाँ पे भी एक गधेरा जैसा बन गया, पानी निकलने लगा खुद ब खुद। पता नहीं कहाँ से आ रहा हो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत ऊपर से आ रहा था और बहुत ही तेज। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ दोस्तों। बारिश लगे हुए कम से कम 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अब देख सकते हैं घर के रास्तों में ही नदी नाले कुछ इस तरह से तूफान पे चल रहे हैं, देख ही सकते हैं। कुछ इतनी तेज बारिश है कि रास्तों में ही गधेरा बन जा रहा है पानी का, तो कुछ इस तरह का तो ये गधेरा आप देख ही सकते हैं, और वो भी रास्तों में। ये देखिए ये घर का रास्ता है, और ये यहाँ पे सामने घर है, और घर के सामने कुछ इस तरह से गधेरे जो पानी, अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी आया होगा। आप देख सकते हैं ये रास्ता है और रास्ते में कुछ इस तरह से पानी आ रहा है, और आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी कुछ इस तरह की, और यहाँ से ये सीधे नीचे को लगा है रास्ता। दोस्तों ये जो आपने पानी देखा था, जो ये आपने गधेरे का जैसा पानी देखा था, वो सिर्फ बीच रास्तों में आया था, जिससे मैं आपको हमेशा वीडियो पे दिखाते रहती हूँ, तलघर मलघर या ऊपर नीचे हम जाते रहते हैं। तो ये वही रास्ता था जिसपे इतनी तेज बारिश से वो गधेरा जैसा बन के खुद ही वो एक बड़ी नदी जैसा, नीचे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ आई थी नीचे तो, पर मैं गई नहीं बारिश की वजह से, जाने जैसा भी नहीं हो रखा था, और ऊपर से फ़ोन पे बैटरी भी नहीं थी, इसलिए मैं आपको ज़्यादा तो नहीं दिखा सकती, लेकिन बहुत सारा नुकसान हुआ। थरकोट बरकोट की जो मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे तो इतना सारा हुआ था कि लोगों के घरों के अंदर तक मलबा जा चुका था, लेकिन नुकसान हालांकि कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत भयानक रूप जो मैंने देखा था वो, उसे शायद काश मैं उसे रिकॉर्ड कर पाती, पर मेरे पास वीडियो बनाने के लिए फ़ोन पे चार्ज ही नहीं था। पर ऐसा होता है ना, गांव घरों में ऐसी सुविधा नहीं रहती कि लोग जनरेटर लगा के रखें, क्योंकि लाइट तो जाते रहती है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आपको कुछ दिखाने की। अगर अभी जगह जगह पे हो रही बारिश से बहुत सारा नुकसान हो गया है, बहुत सारा नुकसान हो भी चुका है, तो वहाँ थरकोट के साथ जो बात करी थी, तो वहाँ पे महिलाएं भी बोली थी जब तक पटवारी नहीं आएगा हम जेसीबी नहीं चलाने देंगे, क्योंकि बहुत बुरे हाल हो रखे हैं, और बहुत ही जगह, एक वही जगह नहीं थी वहाँ पे, तो सिर्फ बादल फटने से कुछ नुकसान हो गया था, और बहुत सारी जो जानवर भी थे उनको भी नुकसान हुआ था, लेकिन मैं आपको इसकी वीडियो तो नहीं दिखा पाई, अफसोस, पर बहुत भयानक रूप था जो मैंने देखा था। तो बाकी तो आप लोगों ने बहुत सारी जी वीडियो में देख लिया होगा किस तरह से कितनी कितनी तेज बारिश हो रखी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।